पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से 10 प्रमुख अवतार माने गए हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में बता रहे हैं। 10 प्रमुख अवतारों में से 9 अवतार वे ले चुके हैं, जबकि 10वां प्रमुख अवतार कलयुग में होना है। कुर्म अवतार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिसके कारण समुद्र मंथन सफलतापूर्वक हुआ। भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप या कूर्म अवतार कहा जाता है। वराह अवतार। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र के अंदर छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने सुअर का अवतार लेकर दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध किया। वर्षों तक चले युद्ध में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः जल पर स्थापित कर दिया। राम अवतार। त्रेता युग में लंका के राजा रावण के वध के लिए भगवान विष्णु अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्मे थे। सीता हरण के पश्चात लंका के युद्ध में वानर सेना की मदद से राम ने रावण का वध किया। मर्यादित जीवन और आचरण से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु 16 कलाओं में पूर्ण कृष्ण के रूप में कारागार में जन्मे। माता देवकी और पिता वासुदेव थे। कंस वध, बाल लीलाएं, महाभारत में अर्जुन के सारथी और कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश, यह कृष्ण अवतार की प्रमुख घटनाएं हैं। कृष्ण अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उन्होंने विश्व में शांति स्थापना के लिए यह अवतार लिया था। कल्कि अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे और वह 64 कलाओं में निपुण होंगे। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु ने 9 अवतार क्यों लिए, जबकि वे यही कार्य अपने वास्तविक रूप में कर सकते थे? भगवान विष्णु को अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूपों में रहना पड़ा। भगवान श्री विष्णु समाज में फैले अन्याय को समाप्त करना चाहते थे और समाज को नई दिशा की ओर बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया। उसने मछली का रूप धारण कर लिया ताकि वह विनाशकारी बाढ़ के दौरान सभी जीवित प्राणियों को सुरक्षित रख सके और उन्हें नाव में ले जा सके। उसने कछुए का रूप धारण किया ताकि वह पानी को मथते समय पहाड़ को अपनी पीठ शैल पर उठा सके। उन्होंने सुअर का रूप धारण किया ताकि वह पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर समुद्र से निकाल सके और भूदेवी को ब्रह्मांड में उनके स्थान पर पुनर्स्थापित कर सके। उन्होंने राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को उसके वरदान के विरुद्ध नष्ट करने के लिए आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण किया। मुझे ऐसा दो कि मेरी मृत्यु किसी भी इंसान या जानवर द्वारा न हो, उसने बौने का रूप धारण कर लिया ताकि राजा बलि उसे कम आंखे। उन्होंने क्षत्रिय योद्धाओं को इस संसार से मुक्ति दिलाने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। इसके बाद उन्होंने राक्षस रावण को मारने और एक बच्चे से एक आदमी बनने के लिए, एक धार्मिक जीवन जीने के लिए एक आदमी का रूप धारण किया। अंततः वह अपने जुड़वां नारा की सहायता करने, उसके दुष्ट चाचा को मारने, भूमा देवी को क्षत्रियों से छुटकारा दिलाने में मदद करने और हमारे लिए दिव्य भगवद गीता देने के लिए स्वयं नारायण के रूप में आए। अब आप निर्णय करें कि क्या विष्णु अपने मूल स्वरूप में ऐसा कर पाते? इसके अलावा वामन से लेकर कृष्ण तक उनका जन्म गर्भ से हुआ और उन्होंने जीवन की सभी अवस्थाओं को पार किया।